आप देख रहे हैं ये पूजा तुलसी का पौधा है और हमारे जो गांव में या घरों के अंतर्गत ये पौधा बहुतायत से पाया जाता है। इसकी पत्तियां लोग ऐसे ही काम में लेते हैं, जैसे चाय बनाने के या इस तरह से काम में लेते हैं, इसकी पत्तियों से तेल भी निकालते हैं। इस पौधे का बॉटनिकल नेम ओसिमम सैंक्टम है और ये पहाड़ों में बहुतायत से मिलता है, बहुत ज़्यादा इसकी। हालांकि तुलसी की बहुत सी वैरायटियाँ हैं, कोई पूजा तुलसी भी है, काली तुलसी भी है, बन तुलसी भी है, बहुत सी वैरायटियाँ तुलसी की है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी सी अलग किस्म की वैरायटी है। इससे हम तेल भी निकालते हैं, काश्तकारों के लिए बहुत लाभप्रद वैरायटी है। इस पत्तियों ये लगभग 60 से 70 दिन की क्रॉप है और ये जून के लास्ट में इसको हम लगाते हैं। बेहतर तो ये होगा कि हम इसको नर्सरी से लगाएं, लेकिन चूंकि इसका बीज जो है वो कास्टली है, महंगा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी पहले नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी तैयार करने के पश्चात जब हमारा पौधा 4 इंच के लगभग हो जाता है, 3 से 4 इंच का हो जाता है, तब हम उसको खेत में फिर प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन करने के लिए सबसे अच्छी तरीकी ये है कि आप एक पहले लाइन बना लें ताकि आपको निराई में, गुड़ाई में, कटाई में जो है इसकी आसानी रहे, और इसका डिस्टेंस 45 से 45 रखें। विशेष परिस्थितियों में इसका डिस्टेंस घटाया और बढ़ाया जा सकता है, तो उसका डिस्टेंस हम 45 से 45 मेंटेन करें। मैं समझता हूँ 70 डे में ये पक्के तैयार हो जाती है। इसकी मैच्योरिटी का सबसे बड़ा एक जो वो है, इसका जो फ्लावर है, इसमें हल्का सा फ्लावर आने लगता है। इसमें देख रहे होंगे आप, छोटा छोटा सा फ्लावर दिख रहा है, ये इसमें इस तरह का फ्लावर आने लगता है। इट मीन्स ये क्रॉप मैच्योर हो गई है। जैसे ही पूरे खेत में आपको ये मजरी दिखाई दे, इसको आप क्या करें कि इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीड बनाना है तो कुछ प्लांट इसके आप छोड़ दीजिए, उस प्लांटों को, ताकि उससे आप सीड ले सकें, और बिल्कुल ज़मीन से मिला के इसको आप हार्वेस्ट कर लें। हार्वेस्ट करने के पश्चात इसको बहुत से बहुत 1-2 घंटे की धूप लगाएं और सीधा डिस्टिलेशन यूनिट में ले जाएं। हाइड्रो डिस्टिलेशन से इसका आसानी से तेल निकालते हैं और 1 बीघा के अंतर्गत करीब 1 से 1.5 किलोग्राम तुलसी का तेल आता है। इस तुलसी के बारे में एक और इसकी विशेषता मैं आपको बता दूँ, ये जो तुलसी है, इस तुलसी की जो लकड़ी है वो भी काम में आती है। आपने देखा होगा हरिद्वार के अंतर्गत जो है, जो तुलसी की जो माला बनती है, वो माला इसकी लकड़ी से ही बनाई जाती है। अगर आपको कहीं कोई ऐसा वायर दिखाई देता है, कोई मिलता है, कोई संपर्क में आपके आता है, तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। इसकी जो लकड़ी है, लकड़ी को भी आप बेच सकते हैं। इस तुलसी से कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी क्रॉप है। इसका जो तेल है वो कफ सीरप वगैरह में काम आता है। हमारे जो काश्तकार इसको करना चाहें वो इस तुलसी का बीज लें और लार्ज स्केल पर इसकी खेती करें, तो मैं समझता हूँ इसको अन्य फसलों की अपेक्षा जो बीज का समय है, जो 70 या 80 दिन की समय है, वो बहुत ही लाभप्रद समय होगा इस तुलसी के मायने में। एक तो इसका तेल हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है, दूसरा क्या होगा, एक तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ेगा, एक अर्निंग ज़्यादा होगी और कोई नुकसान की क्रॉप नहीं है। मैं एक बात और बता दूँ कुछ काश्तकारों को, इस तुलसी के लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, कि तुलसी का जो पत्ता है, नीचे का जो लीफ है, वो गिरती है और गिरने के बाद वो कंपोस्ट की खाद में काम आती है। तो इसमें नुकसान की तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं। इसका पत्ता भी बिकता है, इसका बीज भी बिकता है, जो आप जो माउथवाश कहते हैं ना, इसको अगर इसके बीज को आप खाएं तो मुंह में जो दुर्गंध आती है वो भी दूर होती है। तो इस तुलसी का पूरा पार्ट काम आता है, इसीलिए हम इसको गांव घरों में इसकी पूजा लोग करते हैं। पूजा उसी की करते हैं जिसकी जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं। इस तुलसी के अंदर बहुतायत के गुण हैं। एक दूसरी वेसिल है, इसको हम फ्रेंच वेसिल कहते हैं। ये फ्रेंच वेसिल केवल तेल के लिए उगाई जाती है। ये तुलसी लगभग पहाड़ों में 4000 फीट तक बहुत आसानी से आप उगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका बीज बिल्कुल सेम पूजा तुलसी की तरह इसका बीज होता है। इसकी पौध भी थोड़ी थोड़ी लगभग शुरू में पूजा तुलसी की जैसी दिखती है, लेकिन इसकी पत्तियां थोड़ी सी डिफर हैं। इसकी पत्तियों में, पूजा तुलसी की पत्तियों में थोड़ा सा फ़र्क है। एक अलग तरह की पत्ती है, इसमें पॉइंटेड टाइप की पत्ती है, उसकी पत्ती थोड़ा सा कर्वली होती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह तुलसी जिन जिन लोगों ने उगाई है, जिन क्षेत्रों में उगाई जाती है, बहुत आज से लोग उसको उगाते हैं। आजकल तो इसकी बहुत डिमांड हो रही है। जो आपके जो हॉल्स बनता है या आपका जो कफ का सीरप बनता है, उसमें इसकी तेल की बहुत डिमांड है। इस तुलसी को बोने का सबसे अच्छा तरीका, आप या तो वही नर्सरी बनाएं या फिर आप डायरेक्ट सीड लें, उसमें जाएं। डायरेक्ट सीड में क्या होता है कि हमारा सीड ज़्यादा पड़ता है, लेकिन नर्सरी बनाने में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है। डायरेक्ट में अगर डायरेक्ट उसको आप बोना चाहते हैं तो इसके बीज में थोड़ा सा रेत मिला लें। लगभग आप ये मान के चलें 1 किलोग्राम बीज है तो उसमें 2 किलोग्राम रेत आप मिक्स करें, और 2 किलोग्राम रेत को मिक्स करने के बाद में पूरे खेत में इसका छिड़काव कर दें, ताकि जो बीज है आपका समान उस पर फैले,
ऐसा ना हो कहीं बीज ज़्यादा हो जाए, कहीं पर बीज कम हो जाए, उस हिसाब से नहीं, आपका पूरा बीज एक साथ पूरे खेत में फैले, इस तरह से आप इसका वो करें। और लगभग एक सप्ताह बाद ये जमने लगती है। जब इसकी 4 से 5 इंच इसका पौधा हो जाए तब इसमें गुड़ाई करा दें, और इसका जो डिस्टेंस है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, उसको मेंटेन करें, क्योंकि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अगर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, जो प्लांट है वो फैलेगा नहीं, चौड़ा नहीं होगा, बुश टाइप का नहीं बनेगा। तो इसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इसमें दो गुणाइयों की आवश्यकता है, पहली लगभग 4 इंच का जब पौधा हो, और दूसरी लगभग 20 बोने के लगभग करीब 25 से 30 दिन के बाद। बस दो गुड़ाइयों से ज़्यादा गुड़ाई की इसकी आवश्यकता नहीं है। पानी को इसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जब ये बोई जाती है तो बरसात का समय है, इसलिए पानी की बहुत आवश्यकता नहीं है। विशेष परिस्थितियों में इसको एक या दो पानी दिया जा सकता है। जहाँ तक इसको पकने की बात है, जैसा आप देख रहे हैं इसमें अभी ये फूल आने लगा है, इसमें भी ये फ्लावर आने लगा है, और जो ये फ्लावर है, जब ये पूरा मजरी पूरे खेत में, जैसा इस खेत में आपको दिखाई दे रही है, पूरे खेत में जब एक सार इसमें फ्लावर से आने लगे, तब आप समझ जाएं कि ये हमारा पौधा पकने के तैयार है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि सितंबर का फर्स्ट वीक इसकी पकने का बहुत ही सेट टाइम है। लगभग जून की बोई हुई फसल इस सितंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक में पक के तैयार हो जाती है। पक्कर तैयार होने के बाद में इसको आप, जैसे मैंने पहले कहा था वैसे ही, इसको जड़ से काट लें और एज इट इज पूरे का पूरा पौधा आप यूनिट पर ले जाएं। मैं एक और बात बता दूं आपको, इस जो भी जितनी भी सघन फसलें हैं, उन सघन फसलों को करने से पहले आप एक बात और अच्छी तरह समझ लें कि उनके आसमन की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए। आप जहाँ भी करें वहाँ पर ये पहले जानकारी कर लें कि कहीं पर कोई आसमन संयंत्र है जिसमें इसका तेल निकाला जा सकता हो। और दूसरी बात, कटाई करने से पहले उस आसमन संयंत्र के चालक, जो उसको चलाता है, जो उसका स्वामी है, उससे भी संपर्क कर लें, ताकि ऐसा ना हो आप कटिंग करके ले जाएं, मान पड़ा वहाँ दूसरे का पहले से पड़ा हुआ कोई और मटेरियल पड़ा है, तो उससे भी संपर्क कर लें, जैसा वो कहे उसी हिसाब से अपनी इस कटाई को मैनेज करें। तो क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर ये पड़ी रहेगी तो ये बेकार हो जाएगी, सूख जाएगी, इसका तेल उड़ने लगेगा। तो कटाई के 1, 2, 3 घंटे तो आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन 2, 4, 6, 10 दिन इसको आप नहीं डाल सकते। तो आप वैसे सेटिंग करें कि इसकी कटाई आप करें और करने के बाद 2, 3, 4 घंटे तक इसको यूनिट पर पहुंचा दें और डायरेक्ट इसको, इसका आप तेल निकाल लें। 1 बीघे में लगभग 4-5 लीटर तेल आराम से आता है अगर आपकी क्रॉप अच्छी खड़ी है। जिन क्षेत्रों में मधुमक्खी का पालन होता है उन क्षेत्रों के लिए भी ये इस टाइम बहुत अच्छी फसल है, क्योंकि इस टाइम फील्ड में कुछ कम ही कम, बहुत कम फ्लावर ऐसे हैं जो कि फ्लावरिंग सीजन में, तो एक हनी का भी बहुत बड़ा स्रोत है ये। तो आप इसको करें, इसका पूरा पूरा लाभ लें।